गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास. आई एम ललिता प्रजापति एज योर साइंस टीचर. टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हम बात कर रहे थे बेटा फूड के कंपोनेंट्स की, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंटेड होते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंटेड होते हैं. अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड के अंदर अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स होते हैं और अलग अलग आइटम्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंटेड होते हैं. लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो पोटैटो रिच इन कार्बोहाइड्रेट. अगर हम बात करते हैं पल्सेस की, तो पल्सेस रिच इन प्रोटीन. और बात करते हैं जैसे घी वगैरह की, जो भी ऑयली थिंग्स है, तो वही ये किससे रिच होते हैं, फैट से रिच होते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो है दैट आर विटामिन्स फॉर हेल्थ. जो हम बात कर रहे थे विटामिन सी, तो मैं आपको बेटा बता देती हूँ पहले कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट की बात करी, तो ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन हमने डिस्कस किया था प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा विटामिन की, तो विटामिन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. बिकॉज क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट रखते हैं. सो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं. तो विटामिन्स जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ के लिए और कीप द बॉडी हेल्दी के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए. और इन विटामिन्स की जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारी बॉडी को वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कम क्वांटिटीज़ में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कम क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को ये विटामिन्स मिल जाते हैं. मोस्ट जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या रखते हैं बेटा, विटामिन्स रखते हैं. तो हमारी बॉडी को विटामिन्स की नीडेड होती है. कौन कौन से विटामिन्स की, अलग अलग टाइप्स की विटामिन्स होते हैं. लाइक जैसे ए होती है, बी कॉम्बी, बी जो विटामिन है कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, ओके. देन सी डी ई के, ये अलग अलग टाइप्स के विटामिन हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग यूज़ के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. अलग अलग यूज़ के लिए इनमें क्या होता है, ये काम आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आप जो ये टेबल देख रहे हैं बेटा, ये विटामिन से रिलेटेड ही है. इनके फंक्शंस और इनके फूड सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं कि विटामिन जो ए है ये क्या फंक्शन करता है, ये हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है. और ये कौन कौन से फूड सोर्सेज में हमें मिलता है, कैरेट, ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियों में, पम्पकिन, कद्दू है, राइप मैंगो है, टोमेटो है, पपाया, लीवर, एग, फिश, बटर एक्सेट्रा, ओके. ऐसे अगर हम विटामिन बी की बात करते हैं, तो ये हमारे मसल्स को, ब्रेन को और जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है. और इसके साथ साथ हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी RBC बनाने में भी हेल्प करते हैं. ये हमें कई सारे जो फूड सोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अंदर हमें ये मिलता है, ओके. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की, तो ये हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, जो स्किन होती है, इनको हेल्दी रखते हैं. हमारे जो इंजर चोट लग जाती है तो उसे वापस से रिपेयर करने में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने में ये विटामिन सी हमारी हेल्प करते हैं. और ये जितने भी खट्टे फल होते हैं या फिर जो सिट्रस जो फूड होते हैं, इनमें ये फूड सोर्सेज में ये प्रेजेंटेड होते हैं, ओके. देन आता है विटामिन डी. विटामिन डी जो होता है बेटा, एक ऐसा विटामिन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रिपेयर होता है. सो ये हमारे बोन्स और टीथ को क्या बनाते हैं, स्ट्रांग हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. इस ये विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर होता है बाय द सनलाइट के थ्रू, बट लेकिन कुछ फूड सोर्सेज में यह मिलता है. लाइक जैसे फिश हो गया, कॉड होगी, फिश लीवर ऑयल हो गया, एग्स हो गया, या फिर कुछ मशरूम, इनमें विटामिन डी होते हैं, ठीक है. ये बात करें बेटा हमने विटामिन्स की. देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ. जो हम बात कर रहे थे बेटा मिनरल्स की, हमने पहले बात करी विटामिन्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज क्योंकि ये डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी की इम्यून जो पावर होती है, इम्यून जो सिस्टम होती है, उसको ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ओके. मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वेज में हमारी बॉडी में
काम में आते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कैल्शियम की बात हम बात करते हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे जो टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी जो बोन्स वगैरह इनमें पैन होने लगता है, मतलब ये वीक होने लग जाती है बोन्स। तो कैल्शियम जो होता है वो बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये यहाँ पर दिए गए जो फूड सोर्सेस है इनमें कैल्शियम रिच अमाउंट में मिलता है। ओके, देन हम नेक्स्ट अगर मिनरल्स की बात करते हैं आयरन की, तो आयरन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है बिकॉज क्योंकि आयरन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर RBC बनती है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा जो हीमोग्लोबिन है वो बनता है। ठीक है, ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से या फिर होल वीट है, पल्सेस है, इनसे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। मीट में और लीवर है, फिश लीवर है, इनमें ये सोर्स आयरन रिच अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, कि तो पोटेशियम जो है वो हमारी मसल्स, ब्रेन और नर्व जो होते हैं उनको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। ये कई सारे फूड सोर्सेज होते हैं जैसे कि टोमेटोज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, डेट्स, खजूर है, जैगरी है। ठीक है, इन सभी में पोटेशियम रिच अमाउंट में पाया जाता है। देन हम बात करते हैं अगर आयोडीन की, तो आयोडीन तो हम सब जानते हैं कि हम जो सॉल्ट वगैरह यूज़ में लेते हैं इनमें आयोडीन रिच अमाउंट में होता है। और आयोडीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, यह हमें कई सारे फूड सोर्सेस है जैसे वेजिटेबल्स है, मैराइन एल्गी है, एडिबल जो मैराइन एल्गी होती है या फिर सेलफिश जो होती है, फ्रूट्स जो कि कोस्टल एरियाज में जो ग्रोन होते हैं इनमें ये क्या होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है ये के द्वारा एज वेज एल मतलब आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है इसके द्वारा भी हमें आयोडीन जो मिनरल से हमें ऑप्टेन होता है। और कोस्टल रीजन में जो फ्रूट्स वगैरह जो ग्रो होते हैं इनमें भी ये अवेलेबल होता है। सो आयोडीन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। वैसे तो हम जितने भी यहाँ पर मिनरल्स पढ़ रहे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है, इसके अलावा और भी कई मिनरल्स होते हैं, तो ये जो सभी मिनरल्स है सबका अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह से यूज़ होता है। सब अपने अपने तरह से क्या होते हैं बेटा, काम में आते हैं और अलग अलग वे से हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो हमारे लिए वैसे जरूरी तो सारे होते हैं। ठीक है, अगर ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं या फिर ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं या किसी की कमी रह जाती है या फिर किसी फूड्स के द्वारा ये विटामिन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होने लग जाती है बेटा, कमी आने लग जाती है, डिजीज़ होने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कुछ अलग हम क्या देते हैं उन्हें डिजीज़ का नेम देते हैं, जैसे आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है, देन कैल्शियम की कमी से होने वाली डिजीज़ है। तो उन डिजीज़ को हम क्या करेंगे बेटा, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है बेटा फाइबर का। ठीक है, तो फाइबर के बारे में हम बात करते हैं, तो फाइबर जो होता है ये हमें प्लांट्स से मिलने वाला क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। मीन्स प्लांट्स से जो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर 1 में भी आपको बताया फाइबर के बारे में। सो फाइबर क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्टिबल होते हैं, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं इनके द्वारा हमें मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो फाइबर जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कोई अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमारी डेली जो डाइट होती है, हम जो डेली खाना वगैरह खाते हैं, इसमें जो वेस्ट मटेरियल से या डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, इनको ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ईजी बनाते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। सो हमने बात करी फाइबर की, तो ये जो फाइबर है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, इजीली क्या करते हैं, इनको ये हेल्प करते हैं और हमारे जो वेस्ट मटेरियल है इनको हमारी बॉडी से आउट करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर से रिच होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ह्यूमंस की जो बॉडी होती है ये 70% वाटर से क्या होती है बेटा, बनी होती है। सो वाटर इज नीडेड, वाटर इज वेरी असेंशियल फैक्टर फॉर आर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे फंक्शनिंग जो फंक्शन जो होते हैं उनको कंप्लीट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। एंड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वाटर के द्वारा क्या होता है, मेंटेन होता है। हमारी बॉडी से जो वाटर होता है वो यूरिन और स्वेट के द्वारा क्या होता है, लूजेज होता है। यूरिन जैसे हम जो यूरिन हमारे बॉडी के अंदर जो हम वाटर लेते हैं
तो वाटर लेने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो वेस्ट जो वाटर होता है वो यूरिन और स्वेट के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो भी हम बेटा ब्रीथ वगैरह लेते हैं तो ब्रीथ के अंदर भी क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सो हमारे बॉडी को रेगुलर वाटर के रेगुलर सप्लाई की क्या होती है, नीडेड होती है। सो हमें सफिशिएंट क्लीन वाटर को क्या करना चाहिए, हमारे काम में लेना चाहिए। हमारी जो बॉडी होती है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा भी क्या करती है, वाटर को वाटर को कंटेन करती है, ओके ऑब्टेन करती है। सो हमारे बॉडी को वाटर की नीडेड क्यों होती है, क्योंकि ये एक मेजर कंपोनेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो सेल होती है या जो ब्लड होती है इनको प्योरीफाई करने में भी ये हेल्पफुल है। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, डाइजेशन को इजीली क्या करता है होने में हेल्प करता है, और हमारे बॉडी को क्लीन, हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड को क्लीन करता है और किस में चेंज करता है, वो एक यूरिन में चेंज करता है बाय फॉर्मिंग यूरिन, यूरिन को बनाता है। जिससे यूरिन कैसे बनता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, देन फिल्टर के बाद में यूरिन बनता है जो कि एक वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अगर बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे हो जाएगी बेटा, बीमार हो जाएगी, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और यही वेस्ट मटेरियल हमारे वाटर के द्वारा साथ क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं, बैलेंस होते हैं, और हमारी बॉडी क्या करती है, इजीली क्या करती है, इनको बाहर निकाल देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात करी बेटा हमने कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमारे फूड में प्रेजेंटेड होते हैं, और कई अदर न्यूट्रिएंट्स की भी हमने बात करी, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा बैलेंस डाइट की। ओके, अब ये बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक बेटा आप कंप्लीट रीड करना अच्छे से, और उसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारा जो न्यू टॉपिक है इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक यू।